अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अजान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुरैशी ब्रदर्स। आज की वीडियो में मैं आपको पबजी की कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिन्हें चेंज करके आप पबजी अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा हमारे PUBG मोबाइल लाइट की बेस्ट और प्रो सेटिंग्स के बारे में। जैसे कि आप लोग डायनोमो को तो जानते होंगे, डायनोमो के लिए कौन नहीं जानता है, वो अपने PUBG मोबाइल में कुछ सेटिंग यूज करता है जिसके कारण वो एक प्रो प्लेयर है, बल्कि वो खेलता ही बहुत अच्छा है, सही है। तो इसकी वजह से वो एक प्रो प्लेयर है, बट उसके साथ एक सेटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है जो डायनोमो यूज करता है, उस सेटिंग्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो हमारे PUBG मोबाइल लाइट में सेटिंग आ चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, बट आप लोग उनका यूज नहीं कर रहे हो। आपकी जो सेटिंग है वो बड़ी आपकी डिसेबल, आप लोगों ने इनेबल कैसे करना है और उनका क्या यूज होता है और उन सेटिंग से क्या क्या यूज होता है, तो उनके बारे में बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। इससे क्या होगा, जब भी मेरे चैनल पर कोई भी न्यू वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग है वो आती है थर्ड नंबर पर, आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है पिकअप पिक एस फायर, ठीक है, पिक फायर, ठीक है। इससे क्या होता है भाई, आप कभी भी बंदे को पिक करके फायर ले सकते हो। डायनो कभी भाई हेड जब हेडशॉट मारता है तो पिक करके फायर लेता है, ठीक है, पिक करके फायर लेता है। बट आज पबजी मोबाइल लाइट में बहुत सारे बंदों की ये वाली सेटिंग है वो इनेबल भी होगी, बट उन्हें सही तरीके से इसका प्रयोग करना नहीं आता है, ठीक है। एक सेटिंग और भी इनेबल करना, मतलब कि पिक फायर तो इनेबल कर रही है आपके लिए, बट उसके साथ एक सेटिंग और भी इनेबल करना होता है, वो आपके लिए नहीं पता होगी, वो मैं इस वीडियो में आपके लिए बता दूंगा, ठीक है। बट इसमें आपके लिए सबसे पहले इस सेटिंग को भाई आपके लिए कर लेना है इनेबल। इनेबल करने के बाद आप बहुत अच्छा खेल पाओगे, बहुत ही ज्यादा ठीक से, मतलब कि आप लोग कभी भी खेलोगे तो बंदूक आप पिक करके बहुत ही अच्छे तरीके से मार सकते हो, ठीक है। तो हम इसे कर लेते हैं इनेबल, ठीक है। और इनेबल करने के बाद आप लोग क्या उपयोग होता है इसका मैं आपके लिए बता देता हूं, कैसे भाई पिक करना होता है। जैसे कि हम कोई भी सामने हमारे कोई भी बंदा आता है और मैं यहाँ पर टीपी पे ले रहा हूं, तो भाई मैं यहाँ पर अपना हेड निकाल के और बंदे को मारने लगूंगा। मतलब ये देखिए भाई, मैं अभी देखो मार के दिखाता हूं आपके लिए, यहाँ पर आपके लिए पिक फायर करके लेकर दिखा दूंगा जो आपके लिए बहुत ही सही होगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपके पिक फायर करके दिखाऊंगा जिससे आप बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकते हो इसको पिक फायर कैसे करा जाता है, ठीक है। जैसे ये बंदा मेरे को भाग रहा है, मेरा ही बंदा है, मैं इसे पिक फायर की स्टेप से मारने लगा, ठीक है। तो दोस्तों इसे कहते हैं पिक फायर, ठीक है। मैंने मतलब यहाँ पर अपनी बॉडी पूरी बाहर नहीं निकाली, बट मैंने हेड निकाला और पिक फायर करने लगा, जैसे कि फिर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस टाइप से फायर करा जाता है पिक फायर, भाई इस टाइप से होता है पिक लेकर के, जैसे आप पिक ले सकते हो तो पिक से आप बहुत ही अच्छा फायर करके बंदूक को मार सकते हो, ठीक है। ये सेटिंग है आप लोग इसे डिसेबल कर दे, तो डिसेबल करने के बाद क्या होता है ये देखिए। तो भाई ये नो प्लेयर होते हैं, वो इस टाइप से खेलते हैं, कोई सामने बंदा है और सामने बंदा होने के बाद आप लोग पूरा बॉडी का पूरी बॉडी होती है आपकी वो पूरी बाहर निकाल देते हो और बंदूक को मारना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है। तो ये होता है सबसे गलत तरीका, ठीक है, क्योंकि बंदा सामने और आप लोग पूरी बॉडी निकाल रहे हैं और सामने वाला जो बंदा जो प्रो है वो अपना हेड निकाल रहा है खाली और गन निकाल रहा है अंदर खाली, बस और कुछ निकाल रहा है। दोस्तों यहाँ पर दूसरी सेटिंग है जो पिक फायर के साथ आपके लिए इनेबल करनी चाहिए, तो वो है पिक फायर के सामने आप देख रहे हो एक ऑप्शन मिल जाएगा आपके लिए पिक ऑप्शन। तो इसे आपका जो ऑप्शन है वो होगा इसमें टैप पे और आपके लिए इसे कर लेना है होल्ड पे, ठीक है। तो भाई यहाँ पर टैप होता है, टैप पर क्या होता है, जो आप लोग अभी नॉर्मली खेलते हो टैप पर क्या होता है, टैप पर जैसे कि आप कोई भी बंदे को मारते हो तो आप लोग स्कोप बोलते, तो भाई उसमें एक बार टैप कर देते तो स्कोप आपका जो खुला है वह खुला ही रहता है, ठीक है, खुला जाता है, पिक भी मतलब लेता ही रहता है हमेशा, ठीक है। चाहे आप इधर उधर घूमते रहो फिर भी आपका जो पिक है वो लेता रहेगा, बट ऐसा डायनमो भाई कभी आपने देखा, कभी भी ऐसा करते हुए देखा नहीं, देखा होगा, ठीक है, क्योंकि वो ये सेटिंग को होल्ड पे यूज करता है। होल्ड पे भाई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है, जैसे आप लोग देख रहे हो मैं टैप पे यूज कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है भाई मेरे साथ, ये देखिए, ठीक है। अब मैं इसी सेटिंग को अगर आपके लिए होल्ड पे करके दिखाऊं तो भाई क्या ही रिस्पॉन्स होता है ये देखिए आप लोग, ठीक है। तो मैं इसे कर लेता हूँ होल्ड, ठीक है। तो मैं इसे होल्ड पे करने के बाद अब मैं इस पर पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो भाई मैं एकदम पिक फायर करके बड़े अच्छे तरीके से एकदम पिक ले सकता हूँ बहुत ही सही तरीके से, जैसे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसे, ठीक है। मैं इस पर टैप करूंगा भाई तभी यहाँ पर पिक लेगा, वरना मतलब कि पिक नहीं लेगा, ठीक है। जैसे मैंने इस पर टैप कर दिया तो ये पिक ले लिया, और जैसे मैं टैप यहाँ से हटा दूंगा तो ये पिक नहीं लेगा बंदा, मतलब कि आप लोग वहाँ पर पिक वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे जब तक आपका वहाँ पर क्लिक हाथ मतलब एक उंगली है जब तक लगी रहेगी तब तक ही भाई आपका पिक लेगा, जब आपने उंगली हटाते हो वैसे पिक लेना बंद कर देगा बंदा। तो ये बहुत ही सही सेटिंग है अगर आप इसे अप्लाई करते हो अपने फोन में, बट आपके शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी इन सेटिंगों से, बट आपके लिए बाद में बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग खेल सकते हो, ठीक है। तो भाई अगर दो एक दो हफ्ते आप सही से खेलते हो तो आप लोग बहुत ही अच्छे पिक मतलब पिक प्रो प्लेयर बन सकते हो, पिक ले लेके बंदों को मार सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं अपनी दो एक दूसरी सेटिंग है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दूसरी सेटिंग है उसका नाम है स्कोप मोड, ठीक है। स्कोप मोड आपका यहाँ पर होगा टैप पर, ठीक है, टैप पर होता है भाई, टैप पर क्या टैप पर होता है इसे आप लोगों को करना है होल्ड पे। भाई टैप पर क्या होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले, फिर होल्ड के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो भाई जैसे कि टैप होता है, टैप पर आप लोग एक बार क्लिक कर देते हो, ठीक है। क्लिक करने के बाद जो आपका स्कोप है वो आपका खुला का खुला रह जाता है, जैसे अभी आप लोग देख रहे हो मेरा जो स्कोप है वो खुला हुआ है, ठीक है। मतलब मैं इस पर टैप करूंगा तभी हटेगा, वरना ये खुला का खुला ही रह जाएगा, ठीक है। जैसे क्या होता है भाई कई बार मेरे साथ भी हुआ है और बहुत सारे बंदों के साथ होता भी होगा ऐसा, ठीक है।
जैसे बस यहाँ पर ये क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लोग कोई सी बंदे को मार रहे, सामने वाले बंदे को मार रहे, मतलब कि स्कॉप खोल के बंदे को मार रहे, सामने वाले बंदे को मार रहे, आपके पीछे कोई बंदा आता तो आप लोग हड़बड़ी में क्या करते, पीछे वाले बंदे को कहते हैं भाई पीछे बंदा है, तो आप लोग हड़बड़ी में ना भाई पूरा जो स्कॉप होता है वो पूरा पूरा हिला डालते हो भाई किधर बंदा किधर के बंदा, मतलब आप लोग भूल जाते हो वहाँ पर कि भाई हमें स्कॉप भी बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दोबारा टैप करना पड़ता है तभी आपका स्कॉप बंद होगा, तो ये होता है गलत। अगर आप लोग यहाँ पर ये सेटिंग को अगर होल्ड पे यूज करो, ठीक है भाई, इसके स्कॉप वाले मोड है जो उसको अगर होल्ड पे यूज करते हो तो क्या होगा, जैसे कि आप सामने वाले बंदे को मार रहे तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से मार सकते हो, पीछे वाले बंदे को भी आराम से मार सकते हो, क्योंकि यहाँ पर होता है जब आप स्कॉप पर क्लिक करोगे, स्कॉप वाले जो ऑप्शन है उस पर आप लोग क्लिक करोगे तभी स्कॉप आपका खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, ठीक है। जैसे टैप पर आप लोग क्लिक करोगे तो खुलेगा, खुला ही रह जाता है स्कॉप। अगर आप लोग यहाँ पर होल्ड पे यूज करते हो तो होल्ड पर आप लोग क्लिक करोगे तभी आपका स्कॉप खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा, ठीक है। बहुत सारे बंदों को आप लोगों यहाँ पर देखा भी होगा, जैसे कि डायनामो तो आप हमेशा ही देखते होगा यार, डायनामो तो हमेशा पिक लेता है, तो अभी भाई उसका देखना, और स्कॉप भाई जब भी खोलता है टैप पे रखता है हमेशा स्कॉप, इसीलिए बहुत अच्छे तरीके से खेल पाते हैं। और हमारे पबजी मोबाइल लाइट में बहुत बहुत सारे प्लेयर हैं जो इस साइड सेटिंग को यूज करते हैं, बहुत सारे, जैसे आपने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर को देखा होगा स्कॉप ऑन करते हैं बंद करते हैं, ऑन करते बंद करते हैं, ऐसे करते हैं ना, बहुत सारे करते होंगे, तो आप लोगों ने बहुत सारे बार देखा होगा, ठीक है, क्योंकि वो इसीलिए कर पाते हैं, उनके पास टैप का ऑप्शन होता है, मतलब टैप पर, मतलब टैप से होल्ड पर रखते हैं, होल्ड पर रखते हैं, इसके लिए वो बहुत ही अच्छा खेल पाते हैं। और स्कॉप बंद और खोलना बंद, खोल मतलब बंद बंद ओपन ऐसे करते हैं, ठीक है, तो इस टाइप से कुछ करते हैं टैप टैप करके, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं तो आपके लिए हमेशा जो पिक वाली सेटिंग है उसे भी होल्ड पर रखना है, और जो स्कॉप वाली सेटिंग है उसे भी आपके लिए होल्ड पर रखना ही है, ठीक है, तभी आप बहुत ही अच्छा प्रो प्लेयर बन।